ये तस्वीरें तो आपको याद होंगी, मुरादाबाद की है, जहां छतों से पत्थरबाजी हो रही थी, गलियों से पत्थरबाजी हो रही थी, और उसके बाद योगी का खतरनाक एक्शन। लेकिन योगी के एक्शन के बाद अब अखिलेश भी सामने आ गए। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। पूरा देश एक महामारी से लड़ रहा है जिसका नाम है कोरोना, COVID-19। और इस महामारी को मात देने के लिए हर कोई कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर राजनीति ना हो ऐसा भला कैसे हो सकता है। उत्तर प्रदेश में तस्वीरें आपको याद होंगी जब छतों से ऐसे ही पत्थरबाजी हो रही थी, महिलाएं पत्थर बरसा रही थी, पत्थर किस पर, नीचे पुलिस वालों पर, मेडिकल टीम पर, गलियों से पत्थरबाजी हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो इलाज करने आ रहे थे, वो लोगों को लेने आ रहे थे जिन्हें कोरोना के लक्षण हैं, उनका टेस्ट करने आ रहे थे। लेकिन कौन सुनने को तैयार था, वो तो ऐसे पत्थर बरसाने को बेताब नजर आ रहे थे। लगातार उन्होंने शीशे फोड़ दिए, डॉक्टर चोटिल कर दिए, गाड़ियां तोड़ दी पुलिस की, सुनी किसी की भी नहीं। उसके बाद योगी का चाबुक चल गया। योगी ने स्पष्ट और साफ साफ शब्दों में कह दिया, छोड़ेंगे नहीं, निंदा करते हैं लेकिन करेंगे क्या। जरा मैं आपको बता दूं योगी ने क्या कहा था और उसके बाद हुआ क्या। योगी ने कहा था, पुलिस कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों एवं स्वच्छता अभियानों से जुड़े कर्मियों पर हमला एक अक्षम्य अपराध है जिसकी घोर निंदा की जाती है। ऐसे दोषी व्यक्तियों के खिलाफ आपदा नियंत्रण अधिनियम तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है, यानी कि NSA के तहत कार्रवाई होती है। और उसके अगले दिन ही दर्जनों भर लोगों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। उसमें ये महिलाएं भी थी जो किस तरह से घरों से निकाली गई, योगी की पुलिस किस तरीके से गुस्से में थी, किस तरह से वो पहुंचे एक्शन लेने के लिए, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और फिर कैसे ये माफी मांगते नजर आ रहे हैं, कैसे बिलबिला रही थी ये महिलाएं जो कभी पत्थर चला रही थी और कभी बिलबिला रही थी। इन तस्वीरों ने भी हर किसी को हैरान जरूर कर दिया। वाकई एक्शन हो तो ऐसा, लेकिन उसके बाद आते हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अखिलेश यादव इस घटना पर क्या बात कहते हैं, आपको जरूर जाननी चाहिए, देखनी चाहिए, समझनी चाहिए और अपनी राय रखनी चाहिए। आइए दिखाते हैं अखिलेश यादव ने इस घटना के बाद क्या कहा। कोरोना काल में जिन्हें भी वायरस से पीड़ित होने के लक्षण दिखे उन्हें स्वयं जांच के लिए आगे आना चाहिए, वो उन डॉक्टरों का सहयोग और सम्मान करना चाहिए जो अपना जीवन दांव पर लगाकर अपनी जान बचा रहे हैं। लेकिन आगे क्या, सरकार को भी लोगों को डरा कर नहीं बल्कि विश्वास में लेकर सभी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो यह बयान है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का। उन्होंने कह दिया कि जिनके अंदर लक्षण है उनको अपनी जांच करानी चाहिए, जांच में सहयोग करना चाहिए। लेकिन यह भी कह दिया कि सरकार को डरा कर नहीं करना चाहिए। ऐसे में सवाल यह उठता है, डराने की बात ही कहां से आई। जो जहां पर पता चला उसकी वहीं पर उसको लेने, रिसीव करने अगर टीम जा रही है और उस पर ऐसा हमला हो जाता है तो इसमें वाला सरकार कहां डरा रही थी, ये सवाल भी उठता है। क्योंकि जिस तरीके से राजनीति यूपी में शुरू हो गई कोरोना के चलते, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद योगी ने ताबड़तोड़ एक्शन लेने शुरू कर दिए और पता चलता है कि एक्शन के बाद कैसे सब लाइन पर आ गए। लेकिन सिर्फ यही बात खत्म नहीं होती, यूपी से निकलकर बात फिर इंदौर चली जाती है और इंदौर से खबर आती है कि एक शख्स ने नशे में फिर से टीम पर हमला किया। ऐसी खबरें वाकई हैरान बहुत करती हैं। आप इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए, साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और एडवांस इंडिया के साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।